कोरोना महामारी में दुनिया भर में वर्क फ्रॉम होम का चलन बढ़ गया है, पर रिमोट वर्किंग के दौरान लगातार मीटिंग्स या काम करने से स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। लेकिन एक नई स्टडी में इस बात का खुलासा हो गया है कि बीच में शॉर्ट ब्रेक लेने से ऐसा नहीं होता है। वर्क फ्रॉम होम में घर से ऑफिस जाने आने में लगने वाला समय भी बचता है। इस नए वर्क कल्चर की एक बड़ी कमी वर्चुअल मीटिंग है, जिन्हें लोगों को बिना ब्रेक के करना पड़ता है। इसीलिए काम के दौरान शॉर्ट ब्रेक के महत्व पर जोर दिया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के ह्यूमन फैक्टर लैब द्वारा किए गए रिसर्च में प्रोफेशनल्स ने माना है कि ब्रेन फंक्शंस और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए रिमोट वर्किंग के दौरान शॉर्ट ब्रेक लेना आवश्यक है। ब्रेक के बिना बढ़ता है स्ट्रेस लेवल। एक सीनियर एनालिस्ट ने अपने ब्लॉग में रिमोट वर्किंग का जिक्र किया है। वो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च से हैं और वो खुद रिमोट वर्किंग पसंद करती हैं। उनके मुताबिक शॉर्ट ब्रेक लेने से ब्रेन फंक्शनिंग में आसानी होती है। रिसर्च के दौरान की गई 4 मीटिंग्स में वर्कर्स की ब्रेन एक्टिविटी को शॉर्ट ब्रेक लेने और नहीं लेने के दौरान मापा गया। इसमें दिखाई दिया कि जिन्होंने बैक टू बैक मीटिंग्स की, उनके तनाव का लेवल काफी बढ़ा हुआ नजर आया, लेकिन बीच में ब्रेक लेने वाले वर्कर्स का स्ट्रेस लेवल स्थिर रहा। बहुत से लोग इस परिणाम से सहमत थे और ट्विटर पर अपना समर्थन जताया। एक यूजर ने स्मिथ के पोस्ट पर कॉमेंट किया, यस प्लीज बैक टू बैक कैलेंडर फ्लेक्स रोक दें। वहीं दूसरे यूजर ने सुझाव दिया कि लोगों को शॉर्ट ब्रेक के दौरान विंडो खोलनी चाहिए और अपने वर्कप्लेस में सनलाइट लेनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट के ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग ग्रुप के सीनियर डायरेक्टर माइकल बोहन इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि किसी को कम थकावट महसूस करना हो और लंबी बैठकों के दौरान ध्यान केंद्रित करना हो तो इसीलिए शॉर्ट ब्रेक लेना काफी ज्यादा जरूरी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज पुराण। आप देखते रहिए न्यूज पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।